क्या नागरिकता संशोधन कानून 2019 किसी भारतीय को प्रभावित करता है? जी नहीं, नागरिकता संशोधन कानून 2019 किसी भी भारतीय, जिसमें मुस्लिम नागरिक भी शामिल हैं, उनको किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता। संविधान द्वारा सभी भारतीयों के लिए सुनिश्चित किए गए मौलिक अधिकारों को कोई भी कानून, जिसमें नागरिकता संशोधन कानून भी शामिल है, ना तो प्रभावित कर सकता है और ना ही छीन सकता है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 के दायरे में कौन आता है? यह कानून 31 दिसंबर 2014 तक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शरणार्थियों के लिए प्रासंगिक है। इस कानून के दायरे से किसी भी विदेशी शरणार्थी, जिसमें पड़ोसी 3 देशों से आए मुस्लिम शरणार्थी भी शामिल हैं, उनको बाहर रखा गया है। कैसे नागरिकता संशोधन कानून 2019 पड़ोसी देशों के 6 अल्पसंख्यक समुदायों के लिए लाभकारी है? इस कानून के जरिए धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए 6 समुदायों के शरणार्थियों के लिए पासपोर्ट और वीजा जैसे दस्तावेजों के उपलब्ध ना होने पर भी नागरिकता पाना आसान होगा। नागरिकता के लिए देश में रहने की उनकी समयावधि अब 1+5 साल कर दी गई है, जबकि दूसरे विदेशी नागरिकों के लिए ये शर्त 1+11 साल की है। क्या इस कानून के आने के बाद 3 पड़ोसी देशों के मुस्लिम लोगों को कभी भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती? जी नहीं, वर्तमान समय में किसी भी विदेशी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए तय कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बनना होगा। ये प्रक्रिया नागरिकता कानून के सेक्शन 5 और 6 के हिसाब से संचालित की जाती है। नागरिकता संशोधन कानून ऐसे किसी भी प्रावधान में बदलाव नहीं करता। अगर कोई भी विदेशी व्यक्ति, जिसमें 3 देश के मुस्लिम भी शामिल हैं, वो अगर नागरिकता कानून के सेक्शन 5 और 6 के प्रावधानों के तहत योग्य पाए जाते हैं, तो वो भारतीय नागरिकता के अधिकारी होंगे। साल 2014 में भारत बांग्लादेश सीमा विवाद पर बांग्लादेश के 14,864 नागरिकों को भारतीय नागरिकता दी गई थी। इन सभी का परिक्षेत्र भारतीय सीमा में शामिल किया गया था। इनमें से ज्यादातर मुस्लिम ही थे। क्या कानून के तहत 3 देशों से आए मुस्लिम शरणार्थियों को निर्वासित कर दिया जाएगा? जी नहीं, यह कानून किसी भी विदेशी नागरिक के निर्वासन से संबंधित नहीं है। किसी भी धर्म या जाति के विदेशी नागरिक के देश में प्रवेश करने, रहने या निर्वासन की प्रक्रिया फॉरनर्स एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920 के तहत संचालित की जाती है। असम में हुए कुछ निर्वासन के मामलों में फॉरनर्स एक्ट 1946 के तहत आए विदेशी लोगों को ही निर्वासित किया गया था। क्या किसी अन्य देश में भी धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हिंदू नागरिकता संशोधन कानून 2019 के दायरे में आएंगे? जी नहीं, ऐसे लोगों को किसी भी अन्य विदेशी नागरिक की तरह ही नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा। नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत उन्हें किसी तरह की प्राथमिकता नहीं मिलेगी। क्या नागरिकता संशोधन कानून 2019 जाति, लिंग और भाषाई आधार के उत्पीड़न को भी शामिल करता है? जी नहीं, यह कानून केवल 3 पड़ोसी देशों के 6 अल्पसंख्यक समुदायों को धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है। दुनिया के किसी हिस्से में किसी भी अन्य प्रकार के उत्पीड़न के शिकार लोग किसी भी विदेशी नागरिक की ही तरह नागरिकता कानून 1955 के प्रावधानों के तहत योग्य पाए जाने पर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्या नागरिकता संशोधन कानून 2019 का अगला पड़ाव एनआरसी है? जी नहीं, नागरिकता संशोधन कानून 2019 का एनआरसी से कोई संबंध नहीं है। हालांकि साल 2004 से एनआरसी के तहत चलने वाली कानूनी प्रक्रियाएं नागरिकता कानून 1955 का हिस्सा बनी थी, जिसके तहत भारतीय नागरिकों का पंजीकरण और उनको राष्ट्रीय पहचान पत्र देने का काम किया जाता है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 इस प्रक्रिया में किसी तरह का बदलाव नहीं करता।